बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे ट्रैक्स मिलते हैं और उस पर आपको भी एक्सप्रेस करने का कुछ मौका मिलता है. एंड नथिंग लाइक इट व्हेन यू गेट एन एस डायरेक्टर. सर ने शुरुआत करी है और इतनी प्यारी शुरुआत करी कि इनकी वजह से हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है आगे कि कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छा होने वाला है. जैसे प्रिया 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 जैसे मैंने कहा कि हिमांश से जब मैं पहली बार मिला तब फर्स्ट जैसे मीटिंग थी हिमांश की और हिमांश जी को मतलब कहानी एक होता ना आप अगर आपने कहानी बनाई है जो आप जिसको सुना रहे हैं वो कितना सुन के अंदर ले रहा है मतलब आपको पता चल जाता है कि वो क्या देने वाले हैं. तो टच वुड फर्स्ट टाइम हम मिले हमें लगा हिमांश बट फिर हाँ ऑडिशन चलते रहे बट मेरे दिमाग से हिमांश गए नहीं कहीं पे. वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहा क्योंकि पहली बार जब मिले और इन्होंने जो अपना दिखाया लगा उस तरफ शायद वो भी उस कहानी से कहीं रिलेट कर रहे थे तो वो एक इमीडिएट था. और जैसा कि मैंने फिर प्रिया पे आता हूँ तो प्रिया के लिए जैसे मैंने बोला एक लड़की जो ऑडिशन देने आ रही है अच्छा यार कैनेडा से आ रही है कैनेडा में पैदा हुई है और कैनेडा में और कैसे बोलेगी वो हिंदी फिल्म कैसे करेगी. और जो मैं चाह रहा हूँ एक लड़की मेरी सिंपल लड़की है जो जिसे शायद कोई भी प्यार कर सकता है मैं ठीक है ऑडिशन ले लेते हैं आप. और मतलब टच वुड प्रिया का पहला जो था प्रिया आई उन्होंने ऑडिशन दिया आई वॉज मतलब मेरे को लगा कि जो लड़की मैं सोचा मेरे सामने खड़ी है और सेकंड थॉट की ज़रूरत थी उसके बाद. उसके बाद आप सब देखेंगे कि क्या अमेजिंग किया दोनों ने. जब मैं आपको सच में बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा हिमांश जी ने पहले यारियां की थी बट मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी क्योंकि मेरे लिए जय जो था वो मेरे शायद वो मेरे लिए था और मैं चाहता नहीं था कि मैं हिमांश जी की वो पहली फिल्म देखूं और उसे जज करूं कि वो कैसा प्रेजेंट करेंगे. तो मेरे लिए नया ही है जय सबसे फर्स्ट मीटिंग पे फर्स्ट हमारी मीटिंग पे. यही चीज़ हुई थी जब मैंने सर से उस टाइम पूछा था कि सर आपने मेरी फिल्म देखी यारियां अभी पीछे आई थी तो उस टाइम में मेरे को सर ने एक ही चीज़ बोली कि मैं आपका कैलिबर है ना मैं आपको देख के जज नहीं करना चाहता कि आप मैक्सिमम मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ जो अच्छा काम हो सके. तो मुझे और वही एग्जैक्टली जो उन्होंने दिया और क्योंकि कुछ सालों तक मैं था भी नहीं तो मैं इंडिया से बाहर था तो मैंने वो चीज़ मैं काफ़ी पिक्चर मिस की उसमें हिमांश जी की भी एक थी और मेरे लिए बिल्कुल एक जय एक नया था और जो कि मुझे लगा कि देखने से भी लगे और फिर जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया और हमने ऑडिशन वगैरह लिए मैं वो भी कह रहा हूँ कि लेता रहा मैं ऑडिशन लेता रहा मगर निकले नहीं मेरे दिमाग से. तो सर एक्चुअली बार यही देख रहे थे मेरे जैसा स्मार्ट लड़का कौन मिलेगा जो बिल्कुल ये सेम स्टोरी में बिल्कुल जय बन के प्ले कर दे मुझे बिल्कुल जो मेरे जय थे सामने थे. और हाँ बहुत अच्छा रहा. मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं. ऐसा लगा कि घर पे घर के सब लोग हैं और घर में मतलब फैमिली के बीच में सब काम कर रहे हैं. वाज ब्यूटीफुल एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. आई मीन थैंक्स टू हिम बिकॉज ही कुड क्रिएट दैट एनवायरनमेंट यू नो. एंड आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन योर डायरेक्टर इज यू नो बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप एट द एंड ऑफ द डे. मतलब इन्होंने घर वाला माहौल बना के रखा था. सो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं शूट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज आई डोंट नो इफ ही इज मेंशन दिस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया इनकी कहीं कहीं ना कहीं इनकी अपनी भी कहानी है तो इन्होंने बहुत स्टोरी दिल से बनाया है तो वो आपको दिखेगा बिकॉज एवरी सीन एवरी डिटेल दैट एवरी इमोशन वॉज टेकन केयर ऑफ बाई हिम एंड ही न्यू. मतलब अगर रीटेक भी करवाना होता ना कभी ऐसा नहीं बोलते नहीं नहीं दूसरा टेक करो. ही टू बी लाइक बहुत अच्छा है एक और कर लेते बहुत अच्छा है एक और करें. सो ही वॉज वेरी क्यूट अबाउट एवरी थिंग एंड पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई फिल्म. एंड when it was done is when we got the withdrawals carry matlab khatam ho gayi and it was a good like film to even work on. Himansh ki baat kare to bana aisa koi yaad aata hai ki kisi ko aur ek film kisi ke bare mein bolna chah raha tha bolna sakha main. It's me. ye kaisa title hai jo of course bahut se logo se connect karega. सभी लोगों की लाइफ में ऐसे एक मोड़ या पल ज़रूर आता है जब हम कुछ जाहिर करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते. सो इट्स अ वेरी कनेक्टिंग टाइटल. बाकी जो आप चाहते हो वो यहाँ नहीं मिलने वाला. यहाँ सिर्फ दिल जो ना कह सका. और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बहुत सारी फिल्में बनती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में लेकिन जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं एक्चुअली पर जब दिल से कुछ चीज़ बनती है तो वो फिल्म बनती है. बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो दिल से फिल्में बनाते हैं. तो नरेश सर ने इसके अंदर में
दिल लगाया और उनकी वो शिद्दत देख के और उनका वो प्यार देख के हम लोगों का भी ऑटोमेटिकली उतना ही डेडिकेशन आया इस फिल्म के अंदर में, जो सर बार बार मैं सर से आज से नहीं इसके बाद में मैंने मार्च में फिल्म शूट करना शुरू करी थी और उसके बाद में और फिल्में करी, लेकिन मैं उनसे दिन रात एक ही चीज़ बोलता रहता था कि सर दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म टू मी एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट और रोमांस है तो मैं इससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रोमांस जब आता है और हमारे हिंदी सिनेमा में लोग रोमांस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। काम चल गया, कोई बात नहीं। देखो तभी तो देखो कैसा आ रहा है। नो नो इट वाज वेरी गुड, आई मीन इनफैक्ट यू कैन सी इट, मुझे काफी लोगों ने कॉल करके ट्रेलर देखने के बाद बताया कि इट्स सो नेचुरल, इट्स लुकिंग सो लाइक, ऐसा लग रहा है यू नो गाइस एंड गर्ल्स नेक्स्ट डोर, इट्स दैट काइंड ऑफ रोमांस, ऐसा नहीं फिल्मी के एकदम मतलब कपड़े फाड़ के डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स इट्स प्योर, इट्स हाउ एनीबॉडी रोमांसेस, यू नो इट्स इन योर आईज, इट्स द इमोशंस दैट शोज ऑन योर फेस and I'm glad we could show that on screen and it shows on the trailer and the songs and that's of course yes yaar of course youtube pe facebook pe all over jitna bhi response aa raha hai I think sabse pehle to mujhe priya ka ek call aaya tha kitne sare logon ne usko call karke bataya ki they can really connect to it so bahar logon se alag aur ghar ke log jo sabse pehla response dete hain very sweet and simple love story aur they can very much relate to it तो यूट्यूब पे भी आप देखिए, वी हैवंट गॉट एनी बैड कमेंट, सो दिस इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पीपल आर लाइकिंग एंड लविंग इट। वी प्लेड होली ऑन सेट, दैट्स वंडरफुल, होली के वक्त हम लोग शूट कर रहे थे, इट वाज अ ब्यूटीफुल लोकेशन, लाइक एक्चुअली मैं फिल्मी था बिकॉज ऑल माउंटेन्स वर अराउंड इट एंड जहाँ पे हम शूट कर रहे थे द प्लेस इट वाज जस्ट ग्रास एंड वी ऑल प्लेड होली एंड इट वाज ब्यूटीफुल टू इवन लुक एट ऑल द कलर्स एंड सर आप वो लंदन का बताइए ना कैसे हुआ था जो हम लोग जा रहे थे आगे शूट करने और मैं जैसे कुछ गाने बहुत करीब हैं गाने के जो कि एक रोमांटिक फिल्म में होता है गाने अच्छे होने चाहिए तो हम रोमांटिक गाने शूट करने हम जा रहे थे शिमला से करीब 200-250 किलोमीटर आगे तो हम सब चल पड़े सारा यूनिट चल पड़ा करीब 60-70 लोग होंगे 8-10 गाड़ियाँ जा रही हैं और हम आधे रास्ते पर पहुँचे और वहाँ पे कोई एक गाड़ी आ रही थी वहीं से जहाँ पर हम शूट करते चाय पीने के लिए रुके और मैंने उनसे ऐसे पूछा कि यार हम जा रहे हैं वहाँ पे तो वेदर कैसा है बोला सर बहुत बारिश पड़ चुकी है कीचड़ है ये है वो है आप मानेंगे नहीं सारा यूनिट मैंने उनको बोला टर्न अराउंड वापस चलो और ये मैं गाने हमें जाके लंदन में शूट करूँ तो वो एक बहुत बड़ा ऐसा था कि सडनली मेरे को एट द मोमेंट मुझे लगा कि यार मैं क्या करूँ मुझे लोगों ने सोचा भाई क्या कर रहे हो सोच रहे हो आप क्या कह रहे हो नहीं मैं इसके साथ कोई मतलब इतना सा भी गाने के साथ नहीं होने दूंगा देखी जाएगी और थैंक्स टू देम इन्होंने साथ नहीं सर थैंक्स टू यू लंदन आप लेके गए हमें हम शिमला से नहीं हम लंदन जाके शूट किए लाइक ओके इट वाज अनप्लान्ड और दैट्स ओके तो भगवान करे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको मिले जो बोल के लेके जा रहे शिमला जा रहे लेकिन लंदन ले गए स्क्रीन्स सर अभी जैसे ट्रेलर का मैं सच बता रहा हूँ मतलब जैसे मैंने फिल्म बनाई मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स तो थैंक्स टू माई फ्रेंड कमल हु इज विद पीवीआर लाइक यू नो एंड उसकी कोई टेंशन नहीं है पीवीआर स्क्रीन स्क्रीन का छोड़ अब तक तो अच्छी होंगी डोंट वरी अबाउट इट मतलब जैसा रिस्पॉन्स है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू अरे माई फ्रेंड कमल इज हेयर बिकॉज ऑफ हिम कमल प्लीज़ कम आना कमल प्लीज कम जैसे अभी सवाल ही पूछ रहे थे आपका कमल जी लाइक दिखाए फ्रॉम पीवीआर थैंक्स ग्रेट थैंक्स टू हिम जो कि पॉसिबल हो रही है चीज़ें इज बिकॉज ऑफ कमल जी थैंक यू कितनी स्क्रीनों में लगेगी पिक्चर बहुत जल्दी है ये कहना रिलीज का टाइम आने दीजिए अभी तो काफ़ी टाइम अच्छी स्क्रीन में लगेगी अच्छी तादाद में Thank you, sir. Just tell everybody when the film is releasing. The film is releasing 17th of November. You have to go watch it. You don't have a choice. Take your family, take your friends, take your...